नमस्कार, प्रस्तुत है CMMSS 2023 यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2023 के मेंटल एबिलिटी के रीजनिंग का पार्ट 3 वीडियो। पिछले दो वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब इस सीरीज का यानी रीजनिंग का यह पार्ट 3 यानी अंतिम वीडियो है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति में मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं। तो ये तीसरा पार्ट का वीडियो है यानी प्रश्न संख्या 21 से लेके 30 तक के प्रश्नों का हल। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाइए, यानी डिक्शनरी में इन्हें सजाना है। कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, है ना? तो आइए इसे डिक्शनरी में हम लोग किस तरह से इसे सर्च करते हैं, वही नियम यहां लागू होगा। पहला लेटर देखते हैं, सी सी सी, सारे में सी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एच 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 एच, ये हो गया, ये भी सभी में समान है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, ई ए ई ई, देखिए यहां दो दो लेटर आ रहे हैं, ई और ए, तो ए ई से पहले आता है, तो ये हमारा हो गया पहला नंबर, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, हट गया, ये इसे हम हटा दिए, ये कैंसिल कर दिए। चलिए अब बच गया ये तीन। अब इसमें देखते हैं, यहां तीसरा ई है, यहां भी तीसरा ही है, यहां तीसरा, चौथा देखते हैं, यहां एम है ना, और यहां ए है, यहां ई है। चलिए दूसरा मिल गया हमको। अब ये भी हटा दिए, चलिए ये भी हमने हटा दिया। अब दो बच गया, अब इसमें देखना है कि इसके बाद कौन आता है। तो चौथे नंबर तक हम लोग देख चुके थे, चौथा नंबर देख रहे हैं, यहां है एम, सी एच ई, यहां पर है चौथा एम, और यहां है चौथा ई, तो इसके बाद ये आएगा 3, और ये लास्ट हो जाएगा 4। तो इसमें देखते हैं कि कौन है हमारा सबसे पहला बी। देखिए यहां पर बी है, उसके बाद ये पहले हम लिख लेते हैं क्या है। ये हमारा जो क्रम आ गया बी, उसके बाद दूसरा है सी, और तीसरा है डी, और चौथा है ए। तो ये कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए चौथा नंबर में है, बी सी डी ए, तो यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22, डेमोक्रेसी शब्द के अक्षरों से बनने वाले बनने वाला शब्द को विकल्पों से चुनिए, यानी कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके हम इन जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा शब्द बन सकता है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में आता है, तो इसका बहुत सिंपल इसका तरीका है ना, एक एक करके चेक करते हैं। देखिए यहां पर SECCR ECY, तो यहां पर देखिए शुरुआत ही हो रहा है एस से, लेकिन यहां कहीं एस है, नहीं है, तो ये नहीं है, ये हटा दिया हमने, काट दिया। उसके बाद देखिए यहां एम आई, देखिए यहां आई है ना, यहां पर आई है कहीं, नहीं है, तो ये शब्द तो बन नहीं सकता है, ये भी हमने हटा दिया। अब ये देखिए तीसरा एम है ना, ई, देखिए यहां पर एम भी है, ई भी है, इसके बाद आर है, देखिए आर भी है, उसके बाद ये सी भी है, और ये वाई भी है, तो ये शब्द बन सकता है ना। अब ये चौथा को भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहां है डी ई एम ओ एन, देखिए यहां पर एन है, जो यहां पर एन नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, मर्सी। प्रश्न संख्या 23,
निम्न शब्दों को एक तार्किक तथा अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। और देखिए ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये दिया हुआ है साप्ताहिक, डेली यानी दैनिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक। तो सबसे पहले कौन सा होगा हमारा, ये साप्ताहिक, यहां पर हम लिखते जा रहे हैं ए। उसके बाद क्या होगा साप्ताहिक के, ये देखिए हमने गलती किया, साप्ताहिक नहीं दैनिक होगा ये, देखिए सबसे पहले क्या होगा दैनिक बी, उसके बाद आएगा साप्ताहिक ए, उसके बाद होगा पाक्षिक यानी 15 दिन वाला, तो ये हो गया डी, और इसके बाद आएगा मासिक सी, और इसके बाद ईयरली ई। तो ये कौन सा है देखिए, तो बी बी ए डी सी ई, ये दूसरा नंबर, तो ये दूसरा नंबर हमारा इसमें आंसर होगा। आप देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, देखिए ये भी ठीक उसी तरह से है जैसा हमने प्रश्न संख्या 23 देखा था। निम्न प्रश्न में प्रदत्त शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए तथा सही क्रम को विकल्पों से चुनिए। गांव, राज्य, विश्व, देश, जिला। तो सबसे जो इसमें से छोटा या पहला होगा वो होगा गांव, तो ए। गांव के बाद क्या होता है जिला होता है ई, जिला के बाद क्या होता है राज्य होता है बी, इसके बाद आएगा देश डी, और इसके बाद विश्व सी, ए ई बी डी सी। तो कौन सा हमें दिख रहा है ए ई बी डी सी, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि ए का आशय प्लस यानी जोड़ है, बी का आशय घटाव है, सी का आशय गुना तथा डी का आशय भाग है, तो इसका मान क्या होगा, है ना, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया है पहले से जो संख्याएं हैं उनको लिख दिया है, अब ये एबीसीडी का क्या आशय है उसे लिखेंगे, क्या मीनिंग है। तो यहां सी दिया हुआ है, तो सी का आशय क्या है गुना, ये अब हमने गुना कर दिया का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद यहां ए, तो ए का आशय देखिए, तो ए का आशय प्लस है, ये प्लस हो गया। बी का आशय क्या है घटाव है, बी का आशय घटाव, और डी का आशय क्या है यहां पर, या मीनिंग क्या है कहें, भाग है। चलिए अब इसे बोडमास रूल के अंतर्गत हम हल करेंगे। तो बोडमास रूल में यहां पर मैं लिख देता हूं बोडमास रूल, अगर आपको याद नहीं है तो बोडमास, तो ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीजन, है ना, ये होगा मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। जब कई तरह के ऑपरेशन एक साथ दिए होते हैं तो इसी क्रम में हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट, यहां तो ब्रैकेट है नहीं, इसके बाद ऑफ ये भी नहीं है, इसके बाद डिवीजन है, तो सबसे पहला हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन यहां है इसको, ठीक है, तो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये यहां पर मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर ये डिवीजन है, इसको हम पहले करेंगे। तो 18 को 14 से आप गुना कीजिए, हमने पहले गुना कर लिया है, आप गुना करके चेक कीजिए, ये आएगा 252। इसके बाद इसको अभी छोड़ देते हैं, प्लस लिख दिए, इसके बाद ये 6 और ये माइनस, अब ये वाला क्रिया भी कर लेते हैं, 16/4, तो ये हो गया 4। अब देखिए हमारा बिल्कुल आसान हो गया, 252 में 6 जोड़ देंगे तो 258 हो जाएगा, और फिर इसमें से 4 घटा देंगे तो 254 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये तीसरा नंबर सही है। प्रश्न संख्या 26, उस संख्या का पता लगाइए जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा। तो देखिए एक फिगर दिया हुआ है,
हमें पता करना है कि क्या रिलेशन है इसमें, है ना। तो हम यहां से इधर से यहां चलते हैं, तो ये एक यहां 110 से यहां 222 है, फिर यहां से यहां चलते हैं तो ये 5 है, ये 12 है, फिर यहां से यहां चलते हैं तो ये 12 है और ये 26 है। तो कुछ रूल पता चल रहा है? देखिए थोड़ा गौर से देखिए, ये छोटा वाला पहले देखते हैं, 5 और 12, 5 दूनी 10, यहां हम लिख रहे हैं 5 गुना 2 जोड़ जोड़ 2, तो ये आ जाता है 12। अब ये 12 गुना 2 जोड़ 2, ये आ जा रहा है 26। उसी तरह से इधर से देखिए, 110 गुना 2 जोड़ 2, तो ये आ जाएगा 222। देखिए ये रूल तो पता चल गया, दुगना करके और फिर इसमें 2 जोड़ दे रहे हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, 26 गुना 2 जोड़ 2, तो ये हो गया 52 और जोड़ 2 ये हो जाएगा 54, है ना, 54। तो कौन सा है यहां पर 54? ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर ये तीन वृत्त जैसा दिया हुआ है और इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है, तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये संख्याएं हैं क्या, ये 9 है, ये 16, 25, 36, तो तुरंत देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये 3 का वर्ग है, ये है 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। यहां इस वाले में देखते हैं तो ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। अब इसमें देखते हैं ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है, तो ये 6 7 यहां क्या होना चाहिए था, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी 64, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, राम की उम्र श्याम की उम्र की दुगनी तथा सोहन की उम्र की आधी है, श्याम मोहन से बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। देखिए ये प्रश्न आप कि गणित का प्रश्न है और यह समीकरण से है, सिर्फ इस तरह से आप देखेंगे और सोचते रहेंगे तो वो सवाल हल करने में बहुत समय लगेगा। तो सीधे सीधे हम समीकरण में आते हैं, तो समीकरण में हम जानते हैं कि किसी को हम जो अननोन, सारा अननोन है, तो किसी को हम मान लेते हैं एक्स, तो किसको मान लें, श्याम को मान लेते हैं। श्याम का जो उम्र है यहां पर हम लिखते हैं श्याम, तो श्याम का उम्र हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, श्याम का उम्र हम मान लेते हैं एक्स। तो अब इस सेंटेंस को पढ़िए, राम की उम्र श्याम की उम्र की दुगनी है, तो राम का उम्र क्या हो जाएगा, राम का उम्र 2x हो जाएगा, ठीक है ना, दुगना है। अब है, अब पूरा पढ़ते हैं यहां तक, राम की उम्र श्याम की उम्र की दुगनी, चलिए ये तो हो कर दिया हमने, ये हमने कर दिया, तथा सोहन की उम्र की आधी है। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको मत पढ़िए, अभी इसको हमने कर दिया है यहां तक, अब इसको पढ़िए, राम की उम्र सोहन की उम्र की आधी है, तो अगर राम का उम्र 2x है तो सोहन का इसका दुगना हो जाएगा, तो सोहन हो गया, सोहन का उम्र हो जाएगा 4x, है ना। फिर से एक बार इसे समझाने की कोशिश करते हैं, राम की उम्र सोहन की उम्र की आधी है, इसको अगर हम उल्टा पढ़ें तो यह हो जाएगा कि राम की सोहन की उम्र जो है वो राम की उम्र की दुगनी है, तो यह सोहन का उम्र हो गया 4x। अब देखिए श्याम मोहन से बड़ा है, यानी जो मोहन है, मोहन का उम्र है ना, वो श्याम से छोटा है, श्याम
मोहन से, सॉरी ये उल्टा उल्टा हमने लिख दिया, देखिए इसे ये 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 थोड़ा उल्टा हो गया है, फिर से बता रहा हूं। हाँ, श्याम मोहन से बड़ा है ना, यानी ये श्याम का उम्र है तो ये मोहन से बड़ा है। तो अब देखिए मोहन क्या है, एक्स से भी छोटा है, मोहन एक्स से भी छोटा है। तो अब देखिए ये सवाल है, सबसे बड़ा कौन है? तो यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं सबसे बड़ा है सोहन, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब प्रश्न संख्या 29 और 30 के लिए एक सूचना दी हुई है और इसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ये सूचना ये है, ए सी का पिता है लेकिन सी ए का लड़का नहीं है, ई सी की बेटी है, एफ ए का की पति या पत्नी है, बी सी का भाई है, डी बी का बेटा है, जी बी का पति या पत्नी है, एच जी का पिता है, ठीक है। और इसी के पर आधारित प्रश्न संख्या 29 और 30 दिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपको मिले ये रिलेशन वाला, तो इसको हल करने का तरीका यह है कि आप स्केच बना लें। बगैर स्केच के अगर इसको सोचते रहेंगे तो इसका हल कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक एक को पढ़ते हैं और इसका स्केच बनाते हैं। ये हमने पहले से बना के रखा है समय के बचाव के लिए। ए सी का पिता है, तो देखिए ए, देखिए ये सी का पिता है यानी और उसके बाद देखिए ए सी का पिता है लेकिन सी ए का लड़का नहीं है, तो फिर कौन होगा? तो ये सी उसकी ए की बेटी होगी, बेटा तो नहीं है तो फिर बेटी होगी, ठीक है। तो सी क्या है, ए की बेटी हो गई, यहां क्लियर है। ई सी की बेटी है, अब सी की बेटी ये ई हो गई, ठीक है। एफ ए का की पति पत्नी है ना, तो ये ए का एफ, ये तो पिता है यहां पर, सी का पिता है यानी ये जेंट्स है, तो फिर एफ कौन होगा? यहां पति पत्नी दिया हुआ है, पत्नी होगी निश्चित रूप से, पति और पत्नी में से चुनना है तो ये पत्नी है, ठीक है। बी सी का भाई है, देखिए सी का भाई ये बी है, डी बी का बेटा है, ये डी बी का बेटा है, जी बी का पति पत्नी है, तो बी का, देखिए ये सी का ये भाई है बी यानी पुरुष है, तो अब इसका पति या पत्नी है जी, तो निश्चित रूप से ये पत्नी है जी, ठीक है। एच जी का पिता है, ये एच जो है जी का पिता है, तो अब बताना है कि कौन डी की दादी है। देखिए डी की दादी कौन है, देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अब देखिए फिर से, अब डी का पिता, डी का पिता कौन है, बी है, डी का पिता बी है, और बी का पिता, पिता की जरूरत नहीं है, बी की मां कौन है, यही उसकी दादी होगी ना, बी की मां कौन है, तो ये बेटा हो गया, किसका बेटा है, ए का बेटा है ना, यानी ए जो है बी का पिता है, बी का पिता ए है और उसकी पत्नी एफ है, तो बी की मां कौन हो गई, बी की मां हो गई एफ, बी की मां एफ हो गई, और बी का बेटा डी है, तो डी का दादी कौन हो गई, ये एफ हो गई, डी की दादी एफ हो गई। इसे फिर से एक बार आप जो मैंने कहा फिर से दोहरा के सुनेंगे दो बार तीन बार तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया।
अब है कौन एफ का बेटा है, एफ का बेटा कौन है? देखिए एफ का बेटा कौन है, बहुत स्पष्ट है, अभी यहां स्पष्ट देख रहे हैं, एफ बी की मां है तो ये इसका बेटा हो गया, बी बेटा हो गया और सी बेटी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर वन सही है। तो आपने देखा कि इस प्रश्न में हमने क्या किया, एक स्केच बनाया। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपको आएगा तो आप स्केच के द्वारा ही इसे हल करें, बगैर स्केच के हल करेंगे और सोचेंगे कि मन में ही सोच सोच के हम इसका आंसर दे देंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग भी होगा और हो सकता है कि वो हल ना कर पाए। ठीक है, तो ये थे 10 प्रश्न। आशा है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया वो आपके को आपके लिए मददगार होगा इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे। और ये प्रश्न सिर्फ मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए ये उपयोगी है, ये उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें कि रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साधन संवेदा छात्रवृत्ति, आकांक्षा और भी दूसरे प्रतियोगी परीक्षाएं। धन्यवाद।